हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अनीताज रूटीन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा करती हूँ एकदम मस्त भले चंगे होंगे। बजरंग बली की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज मेरा शाम का टाइम है, मैं शाम से काम स्टार्ट की हूँ अपना। कपड़ा फैलाना बाकी था, कपड़ा फैला के हो गया है। अभी मैं कपड़े जो पहले वाले सूखे थे मैं उनको घड़ी कर लूँगी, अच्छे से रख दूँगी। और अनुज को फुटबॉल जाना था, ये लड़का कब से खबर भी रहती है कितना बज रहा है। जाने का था ना, उसके तुरंत भाग कर आया, भाग के आया, जब खोज के पहन तब ये सकब से वेट कर रहे हैं, जल्दी से आके तैयार हो चल। अरे यार भूल गया तो थोड़ा आ सकती थी आपको। ये तो एक बक्कल भी नहीं बचा, सारा बक्कल खत्म हो गया है, लिया भी नहीं। पूरा कपड़ा गीजो मत, धीरे से निकाल अपना। आने का ना कब से समझ में नहीं आ रहा तुमको। टाइम किसी से यार। किसी से टाइम तो पूछते है। अभी मैं कहाँ खोजने जाती बता जरा। आप नीचे बैठते ना, मैं नीचे खेल रहा था भैया। इतना भाग कर आया मैं। क्या खाओगे? क्या खाऊं? एप्पल काट दूं? लेट हो रहा है यार। लड़का हमेशा लेट करता है, इसको जाना रहता है, फिर भी टाइम पर कभी तैयार नहीं होता, कभी बाहर खेलता रहेगा, जाके खोज के लाने का। ये लो पकड़ो, खाओ। खाओ। देख रहे? नहीं खाया, एक टुकड़ा छोड़ दिया। दिन न भर के ऐसे करते करते मैं कितना खाती हूँ, इसीलिए मोटी होती जा रही हूँ मैं। बच्चा खुचा खाते खाते मोटी होती जा रही हूँ। इसका सॉक्स पहनाना ना दोस्तों इतना हार्ड है, एकदम घुटने के ऊपर जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है इसको सॉक्स पहनाना। लेकिन ये है खुद से पहन नहीं पाता, मैं नहीं पहना पाती जल्दी, बहुत दिक्कत से इसको पहनाना पड़ता है। और ये खींच खींच के 5 मिनट का टाइम मुझे जाता है सिर्फ इसका सॉक्स डालने में। एक तो पहले से ही मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। लिफ्ट रोक जल्दी, 5 बज गया इधर ही। एक तो हम लोग पहले ही से लेट थे घर से, और ऐसा ट्रैफिक लगा कि आधा घंटा। मुझ गाइस भाग चुका है, बहुत देर हो गया उसको ट्रैफिक में, आधा घंटा लेट हो गई हूँ। टीचर्स को डांटेंगे, वो भाग के गया है ग्राउंड खेल रहा है। ये सब सारे बच्चों के बैग पड़े हुए हैं। ये देखिए मैडम भी छाता लगा के बैठी है। अभी बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन बारिश होने की एकदम संभावना बहुत ज़्यादा, और वर्षा भी। तो हेलो गाइस, मैं घर पे आ गई हूँ। बारिश बहुत था तो मैं, अनुज और भीग गए थे, तो मैंने ये साड़ी पहना है आज, कपड़ा चेंज की। और ये आंचल चाय बना रही है, देखिए भीग के आए, मज़ा आएगा चाय पीने, बारिश बहुत है बाहर। रुक यार, चाय वो पी के हो गया था, और बर्तन पूरा पड़ा था दोस्तों। मैं माँजने लग गई क्योंकि सब कर लेते हूँ, शाम हो गया है, 7-8 बज गया है, वह काफ़ी टाइम हो गया है। और बर्तन धोना कम से कम आधा घंटे तो लगेगा पूरा किचन साफ़ करने में। इसके बाद पूरा किचन मैं साफ़ करके आगे कर लूँ। फाइनली मेरा किचन बर्तन साफ हो गया है, सब काम मेरा ओके हो गया है। अभी बचा हुआ है खाना बनाने का, और मैं थोड़ी देर में सबसे पूछने वाली हूँ कि खाना क्या बनाना है। और अभी सब काम हो गया है मेरा, अच्छे से हैंड वॉश कर लेती हूँ बर्तन धोने के बाद। मैं अच्छे से बेसिल और हाथ अच्छे से धोती हूँ हैंड वॉश से, क्योंकि कुछ भी काम करूँ तो साफ रहना चाहिए ना, इसके लिए साफ़ कर लेती हूँ। हैंड वॉश मेरे किचन के पास रखी रहती हूँ हमेशा, नहीं ख़त्म हुआ तो साबुन रख देती हूँ मैं। किचन मेरा एकदम क्लीन चकाचक साफ सुथरा हो चुका है। तो गाइस मेरा बर्तन धो के हो चुका है, अभी शाम का खाना कौन क्या बनेगा? पनीर। अच्छा, तुम्हारा पनीर, पनीर भुर्जी। आपका पाव भाजी, पाव भाजी, पनीर भुर्जी। ये देखो इसको हटाओ पहले, पनीर भुर्जी करते मारा अनुज, पाव भाजी, मेरा भी पाव भाजी, सबका अलग अलग डिश है। पापा और मेरा सेम है। अच्छा, आप भी पाव भाजी बनोगे ना?
इधर आंचल शुरू हो गई है खाना बनाने। अच्छा खाना बनता है तो आंचल जरूर जुट जाती है, उसको पसंद है खाना बनाना। दिखाती हूँ क्या ये क्या है, कुछ नहीं। इससे क्या बना जा रही? पुलाव। अच्छा पुलाव, चावल भिगा दी क्या? और पनीर, पनीर बनाया नहीं है। लहसुन है फ्रिज में छीला हुआ, वो ली ली ना। हाँ तो ठीक है, चलो ठीक है। हाँ लो और ले लो, क्या करना है? इसको फ्राई कर दीजिए। दिखाओ, सही चलेगा। क्रिशन पहले ना जो करना, एक चीज रहे तो एक ही चीज रखने, पूरा भर के नहीं रखने का, साफ रख देने का, फालतू चीजें हटा देने का किचन पर से, तो जगह। हाँ ये सब ब्लॉग में ला रहे हैं। हाँ बेकार नहीं करने का ना, तेरा ब्लॉग है मम्मी, ये मेरा है। अच्छा चल करे तो। अरे जीरा पंचफोरन वाले डिब्बे में है ना। अरे तो बाहर निकाली तो डाल दे। अरे उसमें से लेने का ना भाई, खड़ा मर्च मसाला कितना सारा ना, ये तो अभी मैं हरी मटर यहाँ पे छील लूँगी जल्दी से, ताकि जल्दी जल्दी खाना बन जाए। आंचल बना रही है तो मैं हरी मटर छील लेती हूँ, क्योंकि छीलने का उसको टाइम नहीं, मैं छील के दूँगी, बनाएगी वो। आधा किलो पनीर आया था, इतने में बच जाता है, ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन आधा किलो आया है तो बचेगा तो सुबह सब लोग खाएँगे। अभी बना रही है आधा किलो, और ये हल्दी इसका मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के हो गया है इनका, और फ्राई कर रही है, इतना डर रही है फ्राई कर रही है, दूर से छिट्टा जाता है ना तो बहुत डरती है ये लड़की। और वटाना मैंने छील लिया है, इतना सारा निकला है, वटाना भी सीजन नहीं है तो महंगा भी रहता है और टेस्ट भी इतना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग डाल देते हैं इसमें। और कांदा तड़के के लिए काट रही हूं, तड़के के लिए कांदा इसमें ज़्यादा मैं अभी यहाँ पर पूड़ी बाहर में बेल के दे देती हूँ, जल्दी बन जाएगा, अब तलने के लिए रहेगा बस। और अभी पनीर मेरा बन के हो गया है, देखो देखिए इतना अच्छा बना है, कलर भी बहुत बढ़िया आया है। बस सही पूरी बनाना बाकी है, पूरी भी तल के हो जाएगा, जल्दी जल्दी खाना हो जाएगा मेरा। और ये पूड़ियाँ छान रही है, चल दोस्तों मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी कर देना। चल रहे हैं हम लोग खाना खाने दोस्तों, टाइम हो गया है, कम से कम 10 बज गए हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।